स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम अपना चैप्टर कर रहे थे थप रोटी थप दाल के प्रश्नोत्तर। आज उसके ही कुछ बुक के अंदर रिक्त स्थान बाकी बचे हुए हैं, वो भी हम कर लेते हैं। बहुत ही इजी है ये। देखिए इसमें पेज नंबर 91, पृष्ठ संख्या 91, पेज नंबर 91 पे दिया हुआ है आपके ये। आओ तुकबंदी करें। तुकबंदी का मतलब होता है कि अंतिम जो अक्षर होते हैं, अंतिम जो मात्राएं होती है वो एक जैसी होती है पंक्तियों में, वही होती है तुकबंदी। जिस तरह से यहाँ इस नाटक में इन बच्चों ने कई बातें जो बोली है वो कविता के माध्यम से बोली है, तो कवि हमेशा तुकबंदी अधिकतर कविता में ही होती है। आप कोई निबंध में तुकबंदी नहीं कर सकते हैं, कविता में, चौपाई में, छंद में, इनमें आप तुकबंदी कर सकते हैं। तो आप सिर्फ कविता समझ लीजिए। देखिए, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने बनाई दाल। पकाई बनाई एक जैसी मात्रा आ रही है, कहीं कुछ मात्राएं उन दोनों पंक्तियों में समान होती है, उन्हीं को कहते हैं तुकबंदी। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। ऐसे लग रहा है जैसे दोनों पंक्तियाँ कुछ मेल खा रही है आपस में, इसी को कहते हैं तुकबंदी। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। अब आपको जोड़ना है इन पंक्तियों में, जिस तरह से ऊपर बच्चों ने पंक्तियाँ जोड़ी है, बनाई है, उस तरह से आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप पंक्तियाँ बनाएं। चाहे कैसी भी पंक्तियाँ बनाएं, ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी पंक्ति आपकी मिलेगी। उसके अंदर अगर एक शब्द भी अगर तुक बना रहा है तो वो भी ठीक है, अगर पूरी बनाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहली पंक्ति यहाँ पे दी, वे घंटी बोली टन टन टन। अब आपको दूसरी पंक्ति लिखनी है जो यहाँ पे कविता बिठा सके, ऐसी पंक्ति कोशिश करिएगा, अदरवाइज फिर मैं करवाऊँगी आपको। कहाँ चले भाई कहाँ चले, पहली पंक्ति है घंटी बोली टन टन टन, दूसरी पंक्ति आपको लिखनी है, तीसरी पंक्ति है कहाँ चले भाई कहाँ चले, चौथी पंक्ति आपको लिखनी है कहाँ चले भाई कहाँ चले इसके नीचे जस्ट। तो ऐसी ही पंक्ति कुछ लिखनी है, रेल चली भाई रेल चली। चौथी पंक्ति के बाद में रेल चली भाई रेल चली, इसके अंदर ये इसके नीचे वाली पंक्ति आपको लिखनी है, जो रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ पे ये पंक्तियाँ आपको अपने मन से लिखनी है। देखिएगा कि पंक्तियाँ बननी चाहिए ऐसे, लगनी चाहिए जैसे कोई कविता बन गई है। कल की छुट्टी परसों इतवार, अब उसने लिखा है कल की छुट्टी परसों इतवार। नीचे की पंक्ति में देखिए अब आप क्या लिखते हैं, रोटी दाल पकाएंगे, रोटी दाल पकाएंगे नीचे वाली पंक्ति में आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यही है कि स्कूल की छुट्टी हुई है, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि रेल चल गई है, आप कहाँ जा रहे हो, और स्कूल की छुट्टी हो गई है, कल की छुट्टी है और परसों क्या है इतवार है, तो दो दिन की छुट्टी है, तो हम क्या करेंगे, दाल रोटी बनाएंगे, पकाएंगे यानी दाल रोटी बनाएंगे। यहाँ पे दाल रोटी बनाने का मतलब ये है कि बच्चे खेल खेलेंगे, जैसे थप रोटी थप दाल में बच्चे खेल खेल रहे थे। अब टीचर ने उनको यह चैप्टर पढ़ाया था इसलिए वो घर पे जाके बोल रहे हैं, वो घर पे जाते जाते बोल रहे हैं कि हम भी ये खेल खेलेंगे। तो ऐसी ही ये कविता बना रहे हैं बच्चे, तो आप कोशिश करिएगा इन पंक्तियों को पूरा करने की, और अगर नहीं हो पाएगी तो मैं आपको ज़रूर करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा पाठ 11। इसके बाद में हम पाठ 11 पढ़ेंगे, पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू की सूझ का चैप्टर एक बार आप पढ़िएगा, आपको कैसा लगता है, मेरे पढ़ाने से पहले एक बार आप देखिएगा इसको, अगर कोशिश करिएगा खुद पढ़े, रीडिंग तो ज़रूर ही लगाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।